आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। सरसा पुलिस को एक बार फिर कामयाबी मिली है। सदर थाना क्षेत्र के पटुआहा दिल्ली हाट के समीप चोरी की बाइक बिक्री करने के लिए एकत्रित हुए चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा, कारतूस, तीन चोरी की बाइक बरामद की गई है। ग्लोबल इंडिया टीवी को जानकारी देने के दौरान सदर एसडीओ पीओ संतोष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों ने शहर में अक्सर बाइक चुनती की घटना को अंजाम दिया था। पटुआहा दिल्ली हाट के समीप चोरी की बाइक बेचने के लिए बदमाश एकत्रित हुए थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंचकर छापामारी की गई। इसी क्रम में चार बदमाशों को तीन चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में राजा कुमार, नीतीश कुमार, धीरज कुमार, कृष्ण कुमार शामिल है। सभी सहरसा जिले के रहने वाले हैं, जिनका पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है, जो कई बार जेल भी जा चुके हैं। सुरेश निखर की रिपोर्ट। दिल्ली हाट के पास कुछ चोर जो है, चार लड़के मोटरसाइकिल लेकर आए थे बेचने के ख्याल से। थाना अध्यक्ष सुधाकर सिंह, इंस्पेक्टर साहब को पता चली। तीनों ने ब्रजेश चौहान सब इंस्पेक्टर को भेजा एवं पैंथर के जवान को भेजा। तहकीकात किया तो सारे लोग पकड़े गए, चार लोग पकड़े गए और तीन मोटरसाइकिल भी जब्त हुई जो चोरी की थी। ये चारों को पकड़ा गया था। ये चारों पूर्व में भी जेल जा चुका है, चोरी के केस में भी और आर्म्स के भी केस में भी। यादतन चोर लोग हैं। इसके साथ सर्च किया गया तो एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस भी मिला। सभी को गिरफ्तार की गई। एकत्रित क्यों हुआ था सर बदमाश? ये चोरी की गाड़ी मोटरसाइकिल ला करके वहाँ बेचने के ख्याल से आया हुआ था। क्या इसी तरह की घटना को अंजाम देते हैं ये लोग जितने चोर? अंजाम देते हैं, तभी इसकी सूचना मिली और पकड़ी गई।